नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य की 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा, ये जो आत्मकथा है ये किसकी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्रेय पुष्पा, मनु भंडारी, पद्मा सचदेवा। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है, लगता नहीं है दिल मेरा ये जो आत्मकथा है ये कृष्णा अग्निहोत्री की है। कृष्णा अग्निहोत्री का दिल नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी जाति की अवधारणा, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? अज्ञेय, नगेंद्र, रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखो, डोगरी, मैथिली और बोडो ये 8वीं अनुसूची में है, तो इसका ऑप्शन है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कोई स्थान नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो चिंगारियां जो कृति है ये प्रतिबंधित रही है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो उसकी कथा लेखिका है चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल का कहानी संग्रह है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? जैसा कि आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा, विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो सूरदास में नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ये जो विशेषता थी ये सबसे हटके थी, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला क्वेश्चन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु, जिनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। समन्वय, देखिए इसमें समन्वय, इस शब्द को गौर कीजिए, समन्वय शब्द आ जाए वहां पर इसका आंसर एक ही होगा, जो कि हम आगे देख रहे हैं। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं, तो इनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास के बारे में अगर समन्वय का जिक्र कहीं भी होता है तो उसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या, अनुमितिवाद किस आचार्य की है? तो यह है शंकुक। देखो, भट्टोलट का है उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक का भय से हो जाएगा भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभी से हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद, भट्टोलट का है ही शुरुआत में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और ये बचा है अनुमितिवाद, ये है शंकु का, जिसने चित्र तुरंग न्याय भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो इसका सही आंसर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ में देव बड़े हैं की बिहारी इस विवाद को जन्म शुरुआत में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपकातिशोक्ति। कौन सा अलंकार है? रूपकातिशोक्ति। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि, देखो प्रथम उत्थान किसका? आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, इसका जो प्रथम उत्थान था उसकी समय अवधि थी संवत, विक्रम संवत 1925 से 1950 तक। अगला क्वेश्चन है, देव किस जिले के थे? तो देव किस जिले के थे? इटावा के। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आएगा। अखरावट किसकी कृति है? मलिक मोहम्मद जायसी।
अखरावट में वर्णों का अर्थात व्याकरण का वर्णन किया गया, एक एक अक्षर का वर्णन किया गया है। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला, ये भी हमें बार बार पूछे जाते हैं। ये है आल्पिन और गमला, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो मित्रों, आज हम आपको इतना ही बताएंगे, जो कि बार बार पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी साहित्य के। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।